और अब वक्त हो गया है लंच ब्रेक का, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी निशांत चतुर्वेदी के पास। शुक्रिया श्वेता। लंच ब्रेक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आज लोकसभा में शायराना अंदाज दिखा, किसका? रामदास अठावले का। और रामदास अठावले ने कसीदे पढ़ रहा है टले प्रधानमंत्री की तारीफ में। एक देश का नाम है रोम, एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप अब रहो खुशहाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल, और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान। भारत की हमें बढ़ानी है शान, भारत की हमें बढ़ानी है शान, लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैन। शायरी का ये स्तर, खैर आप समझ ही गए होंगे। बहरहाल तारीफ तो की उन्होंने, लेकिन आपको बता दें कि ओम बिरला जी का जिक्र किया, आज वो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। आइए देखते हैं एक बार किस तरीके से सब कुछ हुआ। खुद प्रधानमंत्री उनको लेकर आए। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि स्पीकर पद पर आज एक ऐसे व्यक्तित्व का हम अनुमोदन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से उनको स्वीकृति दे रहे हैं, जो सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी काल से छात्र संगठनों से जुड़ते हुए समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। मुझे बराबर याद है जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया, बहुत लंबे अरसे तक वे कच्छ में रहे, अपने इलाके के युवा साथियों को लेकर के आए, स्थानीय कोई व्यवस्था का उपयोग न करते हुए अपनी व्यवस्थाओं को। अब बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले देखिए लंच ब्रेक में क्या है आपके लिए खास। और लंच ब्रेक में शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स और मॉडल से एक्टर बनी आशोषी सेन गुप्ता से बदसलूकी का आरोप है। तस्वीरें देखें आप जरा, ये वीडियो उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइक सवार 10 युवकों ने पहले तो मॉडल की कार में टक्कर मार दी, इसके बाद ड्राइवर पर हमला बोल दिया। ध्यान से देखें आप तस्वीरें और इनके चेहरे भी देखें। One of the boys tried to drag me out of the car to take my phone because my phone had the video and they wanted to delete the video. So this entire course is about harassment for people. As much as it was harassing for me, it was harassing for the man who was driving the Uber, it was harassing for the member of the LGBT community who's sitting next to me.
So it is not about one gender or one person. It has a bigger cause. It is about the safety of my people in my city. More than harassment, it was very heartbreaking that at the initial level, the cops didn't really come out and in support. And, you know, the thing that goes around is like people really don't go and report all these situations because they're just so scared of the entire law and order. बताया जा रहा है ये जो फॉर्मर मिस इंडिया रह चुकी है उन्होंने कहा कि इन लड़कों ने उनके ड्राइवर की पिटाई तक लगाई. रात का वक्त था, ये वापस लौट रही थी. ये कम्युनिकेशन फील्ड में काम करती हैं और जिस तरीके से जब ये वापस लौट रही थी कुछ लड़के वहां पर तफरी कर रहे थे. एक ने बाइक इनकी गाड़ी में मार दी. इन्होंने पूछा तुम लोगों के हेलमेट कहाँ है. और इन लड़कों को देखिए, पहले तो इनकी बदसलूकी और उसके बाद दूर दूर तक पुलिस नहीं दिखाई दे रही है. और फिर पुलिस में रिपोर्ट करने की कोशिश की तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी नहीं की. और हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जिसकी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला हैं. बंगाल की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं की बहुत इज्जत होती है. और वहाँ पर अगर फॉर्मर मिस इंडिया, चलिए उनके चेहरे पर नहीं लिखा है फॉर्मर मिस इंडिया है वो, लेकिन अगर किसी भी महिला के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, इतने सारे लड़के वहाँ पर तफरी कर रहे हैं, तो कोई एक्शन ना लिया जाए. दिल्ली में पुलिस पिटाई पर एक बार फिर थाने का घेराव हुआ है. सिख समुदाय के लोगों ने आधी रात को मुखर्जी नगर थाने पर जमा हुए और जमकर नारेबाजी कर दी. फिर थाने का घेराव, फिर नारेबाजी, फिर तनाव. राजधानी दिल्ली में सिख ऑटो ड्राइवर की पिटाई का मामला खींचता जा रहा है. कल रात फिर सिख समुदाय के लोगों ने मुखर्जी नगर थाने का घेराव किया. अंधेरा घिरते ही भारी संख्या में लोग जुट गए. वहीं पुरियां तलने लगी, वहीं खाना पीना शुरू हो गया, भजन कीर्तन करने लगे. फिर देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो गई. वो दिल्ली पुलिस को कोस रहे थे, अपना हक मांग रहे थे. तनाव बढ़ता देख आनन फानन में रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ बुला लिया गया. दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी भागे भागे मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने लगे. पुलिस पिटाई का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस मामले में नया पक्ष भी सामने आ रहा है. अब सरबजीत के आपराधिक बैकग्राउंड का भी पता चला है. सरबजीत पहले भी मारपीट के मामले पर फंसा था. दिल्ली से चरा गोठी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक. और शायद आपने वो तस्वीर तो देखी होगी, किस तरीके से जो बता रहे थे कि ये व्यक्ति कुछ कर नहीं रहा था, पुलिस वाले के सिर पे टाके लगे तलवार से. ऑटो वाले से मारपीट का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला हुआ. इस हमले के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए. गुस्से में लोगों ने पूरा अस्पताल सिर पर उठा लिया. फर्नीचर, मशीनें, दवाइयां सब बिखेर दिया. अस्पताल के दरवाजे, शीशे तोड़ दिए. मारपीट, बवाल सब हुआ. दिल्ली के बवाना का महर्षि वाल्मीकि अस्पताल मरीज के परिजनों के गुस्से का शिकार बन गया. बवाल इतना बढ़ गया कि डॉक्टर और बाकी स्टाफ को भागकर जान बचानी पड़ी. जिन लोगों ने मारपीट की वो इसलिए गुस्से में हैं क्योंकि अस्पताल ने रेप पीड़ित बच्ची के मेडिकल से इनकार कर दिया था. अस्पताल का कहना था कि मेडिकल जांच के लिए उसके पास पूरी सुविधाएं नहीं है. अस्पताल की इसी दलील पर बच्ची के परिजन भड़क गए और बच्ची से रेप का गुस्सा अस्पताल पर उतार दिया. देखिए, अस्पताल के अंदर टूटा फर्नीचर, टेबल, बिखरी दवाइयां, पर्चे, यहां मचे हंगामे का सबूत हैं. जिस अस्पताल में शोर मचाने की मनाही होती है वहां जमकर हंगामा हुआ. अस्पताल में मौजूद बाकी मरीज भी सहम गए. पहले से ही सुविधाओं से जूझ रहे अस्पताल में तोड़फोड़ मचाकर इसे और लाचार बना दिया गया. लोगों के हंगामे से डॉक्टरों में भी काफी गुस्सा है. डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एहतियातन अस्पताल में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई. 6 साल की बच्ची का मेडिकल किसी और अस्पताल में करवाया गया.
आरोप है कि बच्चे के पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स ने रेप किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राकेश खत्री के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। मुंबई के पास एक स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। क्लास में पढ़ाते वक्त अचानक छत का हिस्सा एक गिर गया और फिर बच्चों पर जा गिरा। एक स्कूल के क्लास में लगे सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। क्लास में सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अचानक छत का टुकड़ा इन छात्राओं पर आकर गिरा। क्लास में अफरा तफरी मच गई। एक लड़की के सिर पर इतनी जोर से लगा कि वो सिर पकड़कर बैठ गई। एक एक कर छात्राएं अपनी सीट से उठने लगी। सबको यही डर सता रहा था कि कहीं बाकी हिस्सा भी उनके सिर पर आकर न गिर जाए। टीचर ने सूझबूझ के साथ छात्राओं को वहां से हटाया। जिस लड़की के सिर पर ज्यादा चोट लगी उसे साइड में बिठा दिया गया। इस हादसे के बाद पूरी क्लास दहशत में आ गई। हर कोई आने वाले खतरे के डर से छत को देखने लगा। क्लास में करीब 50 छात्राएं मौजूद थीं। गनीमत ये रही कि छत का एक हिस्सा ही गिरा, वरना यह हादसा काफी बड़ा हो जाता। स्कूल मुंबई के पास उल्लासनगर में है। झूलेलाल ट्रस्ट की ओर से स्कूल चलाया जा रहा है। हादसे में 10वीं क्लास की 3 छात्राएं घायल हुई हैं। बच्चों के सिर पर छत का हिस्सा गिर जाना वाकई गंभीर मामला है। तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि छत की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया गया। मॉनसून आने वाला है, ऐसे में आगे जाकर स्थिति और खराब हो सकती है। जरूरत है कि स्कूल प्रशासन इसे गंभीरता से ले। दिव्येश सिंह, उल्लासनगर, आज तक। कानपुर में पेट्रोल पंप पर पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। पेट्रोल लेने आए एक सिपाही ने 2 युवकों पर पिस्तौल तान दी। अपनी वर्दी का रौब भी दिखाया। कानपुर के पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज देखिए। अचानक एक शख्स जिसने पुलिस की वर्दी पहनी है वो पेट्रोल पंप पर आता है और पेट्रोल भरा रहे एक युवक पर पिस्तौल तान देता है, जिसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है। तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि पुलिस वाला अपनी वर्दी के रौब में दोनों युवकों को धमका रहा है। इस पुलिस वाले के साथ बाइक पर आया शख्स उसे दूर ले जाकर समझाता है, पिस्तौल अंदर रखने को कहता है, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता। वो फिर से बंदूक निकालकर सफेद शर्ट पहने इस शख्स पर तान देता है। अपनी धमक दिखाने के लिए ये पुलिस वाला पिस्तौल को हवा में भी लहराने लगता है। काफी देर तक कहासुनी के बाद पुलिस वाला दोनों युवकों को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद भी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। पुलिस वाले ने इन युवकों पर पिस्तौल क्यों तानी इसकी वजह भी हैरान करने वाली है। बात बात पर पिस्तौल दिखाने वाला ये पुलिस वाला इसलिए भड़का हुआ था क्योंकि वो जल्दी से पेट्रोल भरवाना चाहता था, इसलिए उसने पेट्रोल भरवा रहे दूसरे लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि गोली नहीं चली। कानपुर के पेट्रोल पंप का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कानपुर पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंचा। जांच में पता चला कि पिस्तौल का डर दिखाने वाले शख्स की वर्दी पर अनुराग मणि त्रिपाठी लिखा था। पुलिस कह रही है कि अब तक की छानबीन में आसपास के पुलिस स्टेशन में इस नाम का कोई सिपाही नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि छोटी सी बात पर पिस्तौल दिखाने वाला ये वर्दीधारी कौन है? क्या ये पुलिस वाला है भी या नकली वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी का खेल कर रहा था? रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। पूरे देश में मशहूर पर्यटक स्थल मसूरी में पर्यटकों के साथ मारपीट हुई। उन्हें कार से निकाल कर पीटा गया। आरोप है कि एक गाड़ी में कुछ लड़के नशे की हालत में थे, मॉल रोड से बिना एंट्री फीस दिए जाने की कोशिश कर रहे थे। जब निगम के कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आए, धमकाने लगे, जिस पर स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने पर्यटकों को कार से निकाल कर पीटा। पर्यटक अपनी गलती मानकर माफी मांगने लग गए। सारा नशा उतर गया। बात अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे की, जिसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मंत्री जी कैसे बेटे के लिए कवच बन गए हैं? गिरफ्तार होने वाले मंत्री जी के बेटे और 12 लोगों पर मामला दर्ज है। आज मंत्री जी के बेटे की कोर्ट में पेशी है। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ। रवीश, पूरी खबर बताएं।
जी देखिए, ये आपको बताएं कि परसों रात का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये जो दो पक्ष थे इनमें पहले मारपीट हुई है, और इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे जो हैं प्रबल पटेल और इनके भाई मोनू पटेल, इन लोगों ने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के पहले बंधक बनाया और उसके बाद जमकर मारपीट की। यहाँ तक कि जब बीच बचाव करने पुलिस की टीम आई तो वहां पर भी उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए और गोली भी चली है, जिसमें फायर होने के बाद कंधे पे एक शख्स की गोली भी लगी। इसके बाद यहाँ पे पहले अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 307 की धारा लगाई गई केंद्रीय मंत्री के बेटे पर, और उसके बाद इन्हें कल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज इसकी पेशी होनी है जिला अदालत में, लेकिन इसमें बता दें आपको कि इन सबके बीच एक और आरोपी जो है मोनू पटेल, जो कि भतीजा बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री का, फिलहाल वो फरार है, पुलिस की पकड़ से वो दूर है अभी। लेकिन इस पूरे मामले में काफी राजनीति जो है वो गरमा दी है, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली है प्रहलाद पटेल ने, और बमुश्किल कुछ दिनों बाद ही ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें 307 जैसी गंभीर धारा जो है वो जोड़ी गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक तेज है, राज्य कमेटी भंग की गई है, लेकिन राज्य के अध्यक्ष बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, कर्नाटक कांग्रेस में उठापटक तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार राज्य कमेटी भंग कर दी गई है, लेकिन राज्य के अध्यक्ष बने रहेंगे। मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, क्या वजह है ये एकाएक इतना तेजी से एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आप अगर कर्नाटका को लेकर लगातार पशुपेश बना हुआ है और लगातार जिस तरह से जेडीएस और कांग्रेस में तालमेल समन्वय की कमी की वजह से उसका सीधा लाभ भाजपा को मिला है। आप जो अंदरूनी कमेटी है कांग्रेस की, वो जब विचार विमर्श कर रही थी तो कहीं ना कहीं कमेटी में ये सवाल उठे हैं कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, और अब गाज गिर रही है तमाम कमेटियों पर। यही वजह है कि आप ये सर्कुलर देख रहे हैं। पर सवाल वही है कि एक तरफ जहाँ पे हर राज्य इकाई में कुछ ना कुछ एक्टिव एक्शन लिया जा रहा है, केंद्र में लगातार जो स्टेलमेट है नेतृत्व को लेके वो बना हुआ है, और आखिरकार कौन लीडर नेतृत्व करेगा कांग्रेस का, इसको लेके बड़ा सवाल है निशान। एक चीज है मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेशों को लेकर आकलन चल रहा है ये उसी का परिणाम है? जी बिल्कुल, देखिए हर एक राज्य में जो इंचार्ज है और जो प्रेसिडेंट है उनको लेके एक कमेटी बनाई गई है। हर राज्य में क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको लेके डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जांच चल रही थी, और उसके बाद से जो रिपोर्ट है वो दिल्ली भेजी जा रही है। मौसमी, टेक्निकल ना काम ये समझना चाह रहा हूँ मैं, ऐसे में ये काम कर कौन रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो अपने पद पे बने ही नहीं रहना चाहते हैं, फिर ये एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है इन सब चीजों का? जी बिल्कुल, वही मैं सवाल खड़े कर रही हूँ। जिस तरह से लगातार पशुपेश बना हुआ एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला तो वर्कआउट हुआ है कि राहुल गांधी आ रहे हैं पार्लियामेंट, 3 महीने तक एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के तहत वो बने रहेंगे, पर ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। अब आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, किस तरीके से तस्वीर हमारे सामने है, ये देखें आप। नए स्पीकर से मुलाकात करते हुए राजवर्धन राठौर और अलग अलग जो नेता चुनकर आए, ओम बिरला आज ही स्पीकर बने हैं, तो स्पीकर के कमरे में जाकर जो नए मंत्री और नए नेता चुने गए हैं वो सब उनसे मिलते हुए, फर्स्ट डे इन ऑफिस, और इसके बाद लोगों का तांता लगा हुआ है अलग अलग जगह से, ये मुलाकातों का दौर, और कहा जाता है एक फॉर्मेलिटी है और एक व्यवहार है उसी के चलते। ये देखिए आप, सबसे खूबसूरत बात जो देखी, थोड़ी देर हमने पहले तस्वीर देखी थी जब प्रधानमंत्री मोदी खुद इनको लेकर जाते हैं चेयर तक, उसके बाद हमने देखा सुदीप बंदोपाध्याय भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं तीसरे नंबर पर।
वापस लेके चलते हैं आपको बड़ी खबर पे, जिससे हमने ओपन किया था और वो खबर थी कि पूर्व मिस इंडिया से छेड़खानी हुई है। उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी मनोज गहलोत चौंकाने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद उषोषी सेन गुप्ता की आखिरकार क्या हुआ था वाकया, जिसकी वजह से उन्हें फेसबुक पे अपनी एक ऐसी कहानी लिखनी पड़ी जिसने कई लोगों को चौंका दिया है। उषोषी, क्या थी वो कहानी और कितनी तकलीफ हुई है उसमें? Thank you so much, Manogya. I always have great opportunities to meet you and talk. उस दिन रात को जो incident हुआ था वो actually मेरे Uber driver के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था वो incident. तो कुछ लड़के आए bike में और हम लोग काम ख़त्म करके 11:30 बजे हमने वो Uber ली और हम लोग एक साइड के वहाँ पे थे and उसी वक्त दो लड़के आए बाइक में और उन्होंने वो लोग पूरे मेरी उबर से भिड़ गए और तभी उनके बीच में कोई वर्बल आर्ग्यूमेंट होने लगी। तो तब तक मैं और मेरे कलीग हम लोग पीछे ही बैठे थे और हमको उस वक्त तक ये नहीं लगा था कि ये कुछ सीरियस मैटर एस्केलेट हो सकता है और सडनली 2 से 10-12 लड़के हो गए और वो लोग मेरे ड्राइवर को बाहर निकाल के उसको मारने लगे। उस वक्त मैंने इंटरवीन किया, उस वक्त आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कार और मैंने अपना फ़ोन लिया और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और मैंने उनसे पूछा कि आप उसको कैसे मार सकते हो और आप लोगों का हेलमेट कहाँ है, बिकॉज वो लोग कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे कि मेरे ड्राइवर ने इंडिकेटर नहीं दिया और उन्होंने लेफ्ट ले लिया अचानक से। तो मैंने बोला कि आप लोगों का हेलमेट कहाँ है। तो ये बोलते बोलते बहुत ज़्यादा मैटर एस्केलेट हो गया और मतलब 10-15 लोग आ गए और वो लोग ड्राइवर को निकाल के साइड में ले गए और जैसे वो लोग साइड में ले गए तो मैंने दौड़ के पुलिस स्टेशन जाके ऑफिसर्स को बुलाया। क्या हुआ, कोलकाता पुलिस का क्या रवैया था, वो भी चौंकाने वाला था? देखिए, ग्राउंड लेवल पे थोड़ा बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था ये, बिकॉज हम लोग जब गए थे तो मुझे यही बोला गया था कि मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, आप भवानीपुर जाइए। फिर भवानीपुर के कॉप्स आए वहाँ पे और ऑब्वियसली मेरे साथ एक लेडी और एक जेंटलमैन थे, हम लोग तीनों गए थे पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स के पास। तो वो इवेंचुअली वो आए थे वहाँ पे और उन्होंने भवानीपुर थाना को फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, मगर जब तक भवानीपुर से ऑफिसर्स आए ये ऑफिसर भी वहाँ थे और उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उस लड़के को, मगर वो सब भाग गए वहाँ से। तो मुझे लगा कि शायद ये पूरा मैटर यहीं पर ओवर हो गया है, बट इवेंचुअली उन लड़कों ने हमारी गाड़ी को फॉलो किया और मेरे कलीग का घर जो मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे है वहाँ पे जब हम उनको उतार रहे थे तब उन्होंने 4-5 लड़के वही बाइक में आए और उन्होंने पत्थर वत्थर मार के गाड़ी को तोड़ दी। सलमान खान ने ट्वीट पर एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो में सलमान लेग स्ट्रेचिंग करते नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने इसके पहले एक और वीडियो डाला था जिसमें वो अपने पैरों के ऊपर एक वेइंग मशीन के ऊपर दो दो लोगों को बिठाकर बड़ी जबरदस्त वर्जिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखें आप कहां तक स्ट्रेच कर रहे हैं, अरे बाप रे बाप, मैं तो पता ही नहीं था कि सलमान खान इतने फ्लेक्सिबल हैं। तो मतलब वो जो डांस करते हैं उसकी वजह ये है। सलमान का कहना है कि मजबूत शरीर के साथ फ्लेक्सिबल होना भी जरूरी है। वो थे ब्रेक का, लेकिन 2 बजे देखिए मौत का जिला मुजफ्फरपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।